मेरी बात सुन लो, अपनी मांग क्या है बताओ। कंपनी वाले हम बहुत आ रहे हैं, नहीं आए डर के मारे तो क्या हम अच्छा मेरी बात सुनो, डेढ़ बॉडी आ रहा है अभी बात आपके सामने नहीं की, सुबह से कर रहे हैं। मैं कब से हूँ, मैं पिछले दो घंटे से मैं कॉल लिस्ट दिखाता हूँ। एक मिनट सर, हम ये कह रहे हैं ब्रेकफास्ट मिलेंगे आपसे, हमें पकड़ लो। अरे मैं कह रहा हूँ वो आ रहा है कंपनी वाला, अभी बात कर रहा है। देख रहे हो नहीं, काम नहीं है। देखो न्याय की बात आपकी सुन करने को तैयार है, आप हॉस्पिटल चलिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, ये गलत जगह है आप चलिए। उनको क्यों नहीं दे रहे हो सुबह से, आप उनसे क्यों नहीं दे रहे हो? एक मेरे आने के बाद से ये देखो, इधर देखो एक बार, भाई करवा रहे थे हम किसी और काम में लगे हुए थे, बात करा रहे थे। अगला झूठ बोल रहे बार बार, झूठ बोल रहा दोस्तों। झुंझुनू का बीडीके हॉस्पिटल में अभी पहुंच रहे हैं, हाँ करंट लागण जो दुर्घटना होनू बाकी मृत्यु होगी। परिजन है कि अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और मांग करी जा रही हैं, के मांग करी जा रही है तो वीडियो लास्ट तक देखेगा तो विक्रमन थान देखने मिल जाएंगे। दोस्तों कुछ समय पहले ही है कि बिजली विभाग के कार्यालय के आगे झुंझुनू जो अपना बिजली विभाग का कार्यालय है बिक आगे बिजली कर्मचारियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन करा जा रहा है कि भाई FRT की जो टीम लगाई जा रही है विक्रमन, जो भी लगाया जाएगा जो भी कर्मचारी लगाया जाएगा बन के सुविधा दी जाएंगी, या फिर जो ठेका प्रथा को बहुत ज़्यादा विरोध करे जा रहे हो भी, विरोध का ही परिणाम अभी देखने मिल रहे हैं। आज की जो घटना है रविवार की जो यह घटना है कि अनिल जाखड़ लाइन ठीक करते समय बिजली आने की वजह करंट लागणु दुर्घटना में बाकी मृत्यु हो जाए है। यूं पहले की भी देखा जो लगातार यहाँ की घटना घटित हो रही हैं और बकमन सो बड़ी मांग यही रहे कि मुआवजा की रहे, लेकिन जो FRT टीम में काम कर रहे हैं बा जवानन कतु के मुआवजे मिले हैं वो थारे सामने है। आज जो विरोध प्रदर्शन करो जा रहे हो वो यू ही करो जा रहे हो कि बेशक आज ठेका प्रथा जो लाई जा रही है तो ठेका प्रथा के बाद में सौ बड़ा नुकसान तो यही ही कि काम समय पर नहीं होना और सौ बड़ी एक विकमान जो लापरवाही और जो दुर्घटना होंगी वह सौ बड़ी एक समस्या रहेगी। और बाई चीज़ आप देखने मिल रही है कि आज कोलिंडा का एक जो कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद में प्रशासन लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन जो मुआवजा नहीं मिलने की वजह परिजन ही जो मांग कर रहे हैं बाकी मांग नहीं सुनने की वजह आज यू है कि अभी तक न तो है जो अनिल को पोस्टमार्टम हो पाए है और न ही अभी है जो परिजन सब लेने के लिए तैयार हैं। यह समस्या इसलिए और सब बड़ी बात तो यही है कि जो भी कर्मचारी FRT में या फिर जो भी ठेका प्रथम काम कर रहे हैं ठेकेदारों के नीचे काम कर रहे हैं खुद की सुरक्षा सब बड़ी चीज़ है। अगर लाइन ठीक कर रहे हैं तो विकमान सब बड़ी सावधानी, अगर जब भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं तो बिकी वजह बहुत सी यह समस्या जो अपन देखने मिल रही है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी कर्मचारी FRT में काम कर रहे हैं बात तक पहुँचे और वह खुद की सुरक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा है जो ध्यान रखें। मारे घर को टावर चले हो जाइए नहीं, कोई भी आके यह नहीं कही है कि साहब चलो इसी को समाधान कर सा जो FRT में काम करे, मगर ठेकेदार ने बुला सिया या और कोई ने बुला सिया, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं 5 मिनट मारे हैं 10 मिनट मारे हैं, इनके चलते में सारा उड़ा के बैठे हैं कि केवरो कलेक्टर साहब भी आए देख ली कि बाहर ने जनता बैठी है, तो आपा भी बाहर ने जाके उन्होंने पूछा कि हाँ कि क्या समस्या है यही बता दो।
लगातार सुबह थारी बातचीत हो रही है, एसडीएम साहब बात हो रही है और भी अधिकारी बिजली बोर्ड का, तो क्या बातचीत चल रही है अभी? भैया यही कह रहे हैं कि वो फोन को नहीं उठा रहे हो, ठेकेदार आज बैरोड में है, अभी वो सीकर है, यानी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब कौन मिल रहे हो। बस यह कह रहे हैं कि थे डटो पे आ रहे हैं थे डटो, वो ठेकेदार ने मैं 11 बजे फोन करे हो, पर मैंने यह कही कि 11 बजे मैं बैरोडू चाल दियो हूँ। अभी जस्ट एसडीएम साहब यह कह रहा है कि वो अब चालो है, यानी कि उनको कोई अतो पतो नहीं है। एक पुलिस हूँ, एक आईएन और जयन को नहीं आज के फोन पर, तो वो ठेकेदार कटवाओ। अनिल प्रशासन बिल्कुल भी कोई भी पुलिस फोन कर रही, राव साहब बिल्कुल नहीं आया। शाम का 3:30-4 बजे जाके पुलिस ने लेके आना पड़ा है। मैं एकदम शांति हूँ, बात कर रहा है, लेकिन अपना आपने क्यों महसूस कर रहा है कि बड़े जाए क्यों जाए, कोई बात कोई आएगी कोई समस्या को नहीं, सब आराम हो शांति हूँ बैठे हैं, लेकिन कम से कम आना की बात तो सुननी चाहिए ना। अनिल के साथ लाइन जी टाइम ठीक करने गए हो तो और भी कोई हाथ जो साथ में आया? वे उनका साथी एफ आर टी वाला और अकेलो ही काम करने गए हो, क्योंकि उनके द्वारा यह बताया जाता है कि राव साहब यो कहते हो कि लाइट चालू लाइन में ही काम करना है, लाइट कोट कटेगी। राव साहब या फोन करके या कहेगी कि साहब अनिल नाम करके बंदे भी कैसा गया आज, मतलब कौन अनिल, जब राव साहब के साथ उस बंदे को 4 साल हो गए काम करते हुए, आज राव साहब ये कह रहा है कि कौन अनिल, बहुत ही गलत बात है। चलो वो नहीं आ पाए एक अलग है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कौन अनिल, जो बंदा 4 साल से उनका घरेलू काम हो, सब्जी लानी और लानी हो, अनिल आना, आज वो अनिल को कैसे भूल गए कि कौन अनिल है। तारू परिचय, मैं अनिल का मित्र संजीव जानू। हाँ जी बताओ। 4 साल से काम कर रहे हो अनिल? हाँ। ते अनिल का पिताजी हो? हाँ। तो क्या घटना हुई, क्या सूचना मिली था? तो सूचना मिली कि पोल प्रूफ पड़ी पड़ी हो। अच्छा। अब लाइन चालू ही कटेगी भी। तो यूं पहली भी के काम, यूं पहली के काम करता अनिल? इसे बिजली बोर्ड में करता हूँ। बिजली बोर्ड में ही? हाँ। तो कोई अधिकारी हम थारी भी बातचीत होगी थी कि? आज को नहीं शामिल। नहीं, पहले भी कदे अधिकारियों कोई बातचीत होती कोई? पहले ये बार जहाँ एक्सीडेंट हो गयो। अच्छा। जहाँ जयन रैन से बात हुई, जहाँ बोले तुम्हारे को कलम मिलेगा एक्सीडेंट को। हाँ। एक्सीडेंट क्या हूँ, कोई बिजली ना पोल पर पहुंचो, पोल पर वो लाइन पर हो, लाइन पर गिर गयो। अच्छा। कुछ जी टाइम कुछ मिलो की क्लेम? हाँ मिलो सर, बात तो 70,000 करीब 35,000 मिला। अच्छा। तो अभी ये कुछ बता रहे हैं कि भाई कोई ठेकेदार है बाकी अंडर में काम कर रहे हो, कोई ठेका ठेका में काम कर रहे हो, या कि कोई सूचना ही के था? वो तो है ही कने, वो ठेकेदार वो सुपरवाइजर हो सिकर को। अच्छा। और कंपनी है? कंपनी को नाम दे रहे हो, कौन सी कंपनी? कंपनी को नाम तो सही हो जाना है, कौन सी कंपनी थान कौन भरोगी कुछ नहीं कंपनी को। तो कती तनखा कती की मिलती? तनखा इन्हें 6,500-7,000 मिलता। हाँ। और ठेकेदार दे तो इन 4,000 रुपया टेम्पो भी चलाते होगी। हाँ। और गाड़ी खुद की ले रखी है कोई दूसरा? ना, टेम्पो ठेकेदार को ही हो। अच्छा। तो घर लेके जाते हो टेम्पो? बस में जाते हो, बस में आएगा। आज कहाँ से आया सुबह? सुबह वो 8:15 बजे बस आला है, 9:15-9:15 बजे पहुंच जावे। मिस कदे को नहीं करी, 4 साल के पीरियड में गला नहीं, वो चाचो खत्म हो जाए, 7 दिन की छुट्टी करी और 4 साल पीरियड में छुट्टी कदे को नहीं करी। साके और भी तैयारी कर रहे हो क्या अनिल कोई? साका भी आके उठी सब कर रही है एकदम। अच्छा। आके भी करा रही है 2 साल की, पेपर भी डेट है एक दो। तो क्या भाण भाई है अनिल? 3 भाई, एक भाण। मैरिड है या अनिल अनमेरिड हो? ना शादी कौन करेडी, सौ बड़ो बड़ो अनिल हो। तो अभी के मांग करो कुछ मांग जो प्रशासन नो मांग साके करा मान तो क्यों की मांग यही है कि मार तो बतो गयो मार जो टांग को जो कोई दे लो वजना बताओ कमाने वाला वही था, सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर है। आप घर में ये 6 कैंडिडेट हैं तो 6 उसी के ऊपर निर्भर है, इनके तो कल की समस्या हो जाएगी कहाँ से ले क्या है। अभी कुछ बातचीत हो रही है प्रशासन के साथ में, तो की बातचीत हो रही है अभी? कुछ बात नहीं है अभी फिलहाल प्रशासन के साथ में, क्या हो रहा कुछ नहीं हो रहा, प्रशासन सुना ही नहीं कर रहा फिलहाल। के नाम है तब? महिपाल नाम है। हाँ सरपंच जी बताओ क्या बात हुई? नमस्कार सर, मैं ग्राम पंचायत कोलिंडा सरपंच। ये आज सुबह 9:30-10 बजे के आसपास
इस बंदे को करंट लगा, ये लगभग 3 साल से ड्यूटी कर रहा है इनके साथ, 3 या 4 साल से। सुबह तो इनकी ये प्रोसीजर था, बोले हम इसको जानते नहीं है कौन है क्या है। जब इन पे थोड़ा बहुत दबाव पड़ा प्रशासन का, तब ये बोले ठीक है हम देखते हैं। लेकिन अभी तक जो इनका ठेके पे ठेकेदार है, अभी तक वो नहीं आया। कभी बोलता है मैं गेट पे हूँ, कभी बोलता है बस में हूँ, मतलब संतुष्टि जैसा जवाब नहीं है। SDM साहब आए, वो आके चले गए, बोला ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है, जो मुआवजा है और इसका भाई की छोटे की नौकरी चाहिए हमें, ये नहीं कि इसको बेदखल कर दे। आज ये इसको करेंगे, कल दूसरे के साथ ही हादसा होगा, तब कहाँ जाओगे आप लोग? मैं तो ये कहता हूँ आप आओ और साथ दो इनका, ठीक है। ये तो ठीक है, हम आप बोलोगे तो जनता बोलेगी तो हम डेड बॉडी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल दूसरे बच्चे के साथ होगा, तब क्या करोगे आप लोग? तब कहाँ जाओगे? की नाम मुझे के साथ दुर्घटना हुई है? अनिल। अनिल, हाँ। कौन सा विभाग में काम कर रहा है? ये बिजली विभाग में काम कर रहा है, कोल इंडिया गया, पहले बिसाऊ ड्यूटी करता था, फिर अभी इसको झुंझुनू में लगाया गया, तो यहाँ ड्यूटी कर रहा है। सुबह ही आया है घर से ड्यूटी करने के लिए। इसके बाद में भी ये मतलब कोई बात नहीं है, SDM साहब वगैरह और ये उसको मालिक को नहीं बुला रहे, इनका जो ठेकेदार है मैन उसको नहीं प्रेस कर रहे हैं। वो बोल रहा है आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है ये तो पता नहीं चल रहा है अभी तक। ग्रामवासी अभी जो परिजन है या फिर बाकी के मांग है? परिजना की यही मांग है कि 50 लाख रुपए और एक बच्चे को नौकरी।